नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। अभी मैं खड़ा हूं दानापुर में और ये दानापुर जो जगह है, दानापुर विधानसभा क्षेत्र है और पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का में पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पाटलिपुत्रा जो संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो रहा है उसमें यहाँ की जनता का क्या मिजाज है। आइए कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर लोग वोट कास्ट करेंगे और इन लोगों का मुद्दा क्या है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मनेर क्षेत्र। अच्छा, मनेर का रहने वाले। तो आप ये बताइए कि जो ये चुनाव होने वाला है, एमपी वाला जो चुनाव होने वाला है, इसमें आप लोग मैंने किस आधार पर वोट देंगे, कौन सा मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? वोट देंगे ना? वोट देंगे ना ये। हाँ, तो वोट किस आधार पर देंगे? क्या आप सोचे हुए हैं? सोचे हुए हैं ना? सोचे हुए नहीं हैं। क्या विकास का नाम वोट देश में जो हमारे देश का जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। वो तो मतलब जो विकास माने विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा सो बताइए। विकास देश का विकास नहीं, भारत का विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसमें संशय है। मोदी के नाम पर हम लोग बहुत नफरत है मोदी से। अच्छा, इधर विकास बने कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि ये बंधु हैं, इनका कहना है कि इनको विकास अभी नहीं दिखाई दे रहा है। एनीवे अपना मानना है, आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि नहीं पानी हम लोग के मिल रहा है, नहीं गरीब आदमी के व्यवस्था है, नहीं बन रहा है, न सरकार बना रहे हैं। गोरैया थाना नागा टोला के। हाँ, मनेर क्षेत्र। मनेर क्षेत्र पानी के भी सुविधा नहीं है, रास्ता भी नहीं निकल रहा है, भी जहाँ के पानी मोड़ी है, नली है, जहाँ के पानी जहाँ रह रहा है, तो विकास क्या हो रहा है? तो इनका कहना है कि जो इनका गांव है मनेर, जो मनेर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है गोरैया थाना, वहां पर इनका ये प्रॉब्लम है कि जो स्थानीय जो प्रॉब्लम है, बोल रही हैं कि पानी की निकासी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। आइए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या जो है किस मुद्दे पर लोग वोट कास्ट करेंगे। आप बंधु बताइए कि जो वोट होने वाला है आप वोट देंगे किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम लोग जब विकास का मुद्दा में पर वोट देंगे, विकास होना चाहिए। तो क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कुछ और कुछ अलग आप चाह रहे हैं? कहाँ हो रहा है अभी, कहाँ कुछ विकास हम दिखाइए नहीं दिया। विकास कुछ नहीं दिखाई दिया, पाँच साल में नहीं दिखाई दिया कि कहीं आज तक अभी दिखाई नहीं दिया? पाँच साल में नहीं दिखाई दिया हमको तो नजर आ रहा कुछ है। कुछ तो विकास नजर आया है हल्का मनेर क्षेत्र में। आखिर किस मुद्दा पर आप वोट दीजिए? जिस इस मुद्दा पे देना चाहते हैं कि अच्छा नेता उठे, अच्छा यहाँ विकास स्टूडेंट का हो। तो ये इनका भी कहना है कि विकास नहीं हो रहा है और विकास मुद्दा रहेगा इनका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नवापुर। कौन क्षेत्र पड़ता है? पाटलिपुत्रा विधानसभा। पाटलिपुत्रा विधानसभा, पाटलिपुत्रा लोकसभा, लोकसभा में पड़ता है। तो अब मैंने आप जो वोट दीजिएगा आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार मिलना चाहिए, किसानों का उचित मूल्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो आपने डिसाइड किया है कि आखिर ये जो आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को शूट आउट करने के लिए, समाधान करने के लिए कौन केंद्र में कैसी सरकार होनी चाहिए? राहुल गांधी कांग्रेस, बीजेपी के सरकार में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गया है। ब्लॉक से ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, आंगनबाड़ी लेवल पे चले जाइए, आपूर्ति केंद्र में जहाँ पे राशन बढ़ता है वहाँ पे चले जाइए, आप वार्डर के पास चले जाइए, जितने जो हैं सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप किसी भी गरीब आदमी को आप हमें बता दीजिए किसी का भी भला हुआ हो बीजेपी के सरकार में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमितेश कुमार है, सन ऑफ राजनाथ शर्मा, घर आरोपुर, थाना नौतपुर, जिला पटना। तो इनको भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनका मानना है कि जो मूलभूत जो विकास होना चाहिए वो उससे अभी भी ये लोग महरूम हैं और विकास इनका मुद्दा है। और वोट के दिन ये अपना क्या अपना तय करेंगे, हालांकि ये तो अपना मंसूबा अपना बना लिए हैं, लेकिन अब ये वोट कहाँ देंगे, किस पर देंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल छोटे छोटे बच्चे प्लेयर। आप वोटर हैं, आप वोट दीजिएगा। किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? किस मुद्दे पर देंगे? हम तो मोदी जी को देंगे। क्यों दीजिएगा मोदी जी को? मेरे नेता वो अच्छे लगते हैं, और क्या। राहुल गांधी से नहीं लगते हैं? नहीं, अपना अपना पसंद, मेरे को नेता अच्छा लगता है मोदी जी।
विकास बहुत लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, आप क्या मानते हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, कोई भी नेता बैठेगा अपना काम करेगा, समझे हैं? अच्छा अभी और यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, दुकानदार से भी बात कर लेते हैं। क्या जी, आपका क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? हाँ जी बोलिए, आपका क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? मेरा मुद्दा ये रहेगा देश को तरक्की के आगे की ओर बढ़ाते जाए, ठीक है? हाँ, और जो लाचार थे बेरोजगार है उसको थोड़ा रोजगार दिया जाए, बस हम यही। क्या ये 5 साल में ये सब प्रॉब्लम का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है? हल्का हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। आप दुकानदारी कर रहे हैं? GST जो है लागू हुआ है? आप GST के अंदर में आप आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, अभी अभी नहीं बनाए हैं, अपना GST नंबर नहीं लिए हैं, लेकिन बनाना तो मोदी जी ने कह दिया कि GST बनाना जरूरी है, तो अभी तक क्यों नहीं बनाया? तो ये सब फुटपाथ का दुकान ना है इसीलिए। फुटपाथ का दुकान है, तो फुटपाथ का दुकान है तब तो कभी कभी अतिक्रमण हटाओ का भी जो है शिकार होते हुइएगा। हाँ होते हैं। तो अतिक्रमण हटाओ तो ये बिहार सरकार से होता है, बिहार सरकार से होता है, तो आपने कभी रिक्वेस्ट किया सरकार से कि हमको जो है कहीं जगह ऐसा दिया जाए जहाँ पर अपना दुकानदारी कर सके? मौका ही नहीं मिला है, आप लोग आइएगा तब ना हम लोग बताना चाहेंगे। मैंने हम लोग को बताइएगा, ये सरकार को बताना चाहिए। आपका यहाँ पर जो लोकल जो अधिकारी हैं वहाँ पर आप पिटीशन दीजिएगा तो उसका जो है माकूल जवाब आपको मिलेगा और सही रास्ता मिलेगा। आप कहाँ के हैं भाई? रानी पानापुर दियारा क्षेत्र है। दियारा क्षेत्र? हाँ सर। कौन पार्लियामेंट्री में आता है? संसदीय क्षेत्र? हाँ सर। आपके यहाँ से कौन कैंडिडेट हैं? लालू यादव हैं सर। वो लालू यादव हैं? हाँ सर। तो लगता है कि ये मतलब कि लालू यादव हैं? लालू यादव कहाँ है अभी कैंडिडेट? लालू यादव ना जेल। मैंने आपके यहाँ से कौन RJD के टिकट से कौन लड़ रहा है? मीसा भारती है। वो मीसा भारती हैं, रामकृपाल जी हैं BJP से। ये कहिए ना कि पाटलिपुत्रा में हैं आप? हाँ सर। पाटलिपुत्रा सुन, आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे आप वोट दीजिएगा? हम लालू पे देंगे बस। लालू पर ही क्यों? हम निशा भारती के देंगे, निशा भारती रहेंगे पहले से आदमी के तो मुँह आ चुके हैं लोग हैं। तो इनका कहना है कि ये लालू जी को वोट देंगे, लालू जी के नाम पर वोट देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। अब यहाँ पर जो जनता का जो मिजाज है, जनता के मिजाज में हर तरह की बात आती है, इसमें समाजवाद भी है, राष्ट्रवाद भी है और विकासवाद भी है। अब तो ये 19 तारीख को पता चलेगा कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पर वोट दे रहे हैं और 23 तारीख का इसका निर्णय निकलेगा कि जनता ने किसको मोहर लगाया है। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, दानापुर विधानसभा क्षेत्र, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र।